चाहते हैं तो हमें उनके बच्चों के ऊपर काफ के ऊपर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है तो हांडा सर हैं गांव हरिता से और इनके फार्म पर इनके हांडा डेयरी फार्म पर जो सबसे सुखद जो चीज देखने को मिली कि ये हरियाणा की जो भावी नस्ल हैं उसको भी ऊपर उठाने का जो इनका एक व्यक्तिगत प्रयास है वो काफ़ी सराहनीय है आप देखें यहाँ पर जितने भी बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं सब हस्तपुष्ट हैं हस्त पुष्ट हैं और काफ़ी अच्छा दूध पिला करके काफ़ी अच्छा लालन पोषण इनका जो कर रहे हैं तो यहाँ पर कतार में जो खड़े हैं वे सभी हरियाणा नस्ल और थार पार कर, के जो प्रोजेनी है वो यहाँ पर देखने को, पर को मिल रही है तो किसी भी नस्ल को ऊपर उठाने के लिए उसकी जो भावी नस्लें हैं उसके जो बच्चे हैं उसके जो काफ़ हैं उनको अच्छा दूध मिले और वो अच्छा विकसित हों बचपन से ही तो यहाँ पर ये क्योंकि जो सक्षम हैं उनका एक उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो नस्लों को ऊपर उठाएं तो यहाँ पर जो काफ़ी अच्छी नस्लों के ऊपर ये देखें अगली जो प्रोजेनी है उनको दूध पिला करके हस्त जो बचपन से ही किया जाता है उनके बारे में जानकारी आपसे जरूर लेंगे तो आ जाएं आपका हार्दिक स्वागत है राम राम जितू भाई जी, जी। की पावन धरती पर फिर दोबारा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ और सभी देशवासियों को पंद्रह अगस्त की शुभकामनाएं पंद्रह अगस्त की शुभकामनाएं इन्होंने दी है तो ये देखें राजा का बेटा भाई जी यहाँ पर पहले नंबर पर जो खड़ा है हरियाणा नस्ल का बछड़ा है और इसकी माँ को वहां पर देख सकते हैं नंबर दो तो नंबर जो गोधन है ये देखे। जो जो दूसरे नंबर पर है जो जिसका भारी भरकम और सुंदर कुकुंद है उसी का यहाँ पर बेटा देख सकते हैं ये देखे शाम तो ये देखो बिल्कुल बहुत देखो नीचे बैठ जाए बिल्कुल शांत तो ये देखें जो बॉडी स्ट्रक्चर है जो हरियाणा नस्ल में काफी अच्छा देखने को मिलता है वो यहाँ पर इसमें सुस्पष्ट देखने को मिला ये देखें बचपन से ही सुंदर कुकुंद जो विकसित इसका हो रहा है क्योंकि माँ जो है उनका भी जो कुकुंद है वो काफी अच्छा है उसके बाद दूसरे नंबर पर गौशाला से गाय लेके आए पुराना गौशाला से थार थार्छिया लेके आए नंबर एक पर जो खड़ी है वो वहां पर देख सकते हैं थार पार कर नस्ल की गोधन है और इसकी माँ का जो दूध है वो माँ पी की जुबानी जरूर सुनना भाई जी चौबीस पच्चीस लीटर दूध बताया था मा... उसकी माँ का ठीक है थार पारकर की माँ का चौबीस पच्चीस लीटर और अ... उसकी, बेटी, उसकी की बेटी ये वो है उसी की बेटी ये है ये है खोले एक बार खोले इसकी अभी से जो गादी जो है नीचे से जो ऑर्डर आगे चल करके विकसित होगा वो काफी अच्छा अभी से विकसित हो रहा है ये देखें आप ठीक है ये देखें आप भी देखें गलकंबल देखें और ले जाए आगे ले जाए गादी जो है ये देखें बस बस और थोड़ा बस बस यहाँ रोके कही में, में कहीं भी हाथ मार लो ये देखें अभी से जो इसकी बचपन से ही ये देखें बस 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 भाई बस 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 ये देखिए आप थोड़ा है ना भाई नए आदमी को देख के करती नीचे एक बार हाथ लगा के दिखाएंगा ये देखो बिल्कुल मैं कहीं भी फेर भाई जी। क्योंकि मैंने इनको इतनी दे रखी है, है, है गादी भाई जी सेम वो काफी काफी अच्छी आई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये देखे ठीक है ले जाए ले जाए बांधे ये देखे और इनमें भी एक सामाजिक ताना बाना विकसित होता है ये जो बछड़ा है ये विशेष तौर पर इसका जो लगाव है वो इस बछिया के साथ।, साथ है भाई जी ये आपस में ही खेलते हैं आपस में तो वैसे कुछ नहीं कहेगा लेकिन जब आप इस बछिया को खोल के खोल चलेंगे तो थो थोड़ा नाराज, नाराज होता है ठीक है उसके बाद अगली जो बछिया है उसके आया था जी कॉम्पैक्ट साइज है सत्रह लीटर दूध आज, आज, आज भी दूध दे रही है और, महीना ब्याने का भाई जी। और ये बछड़ी आज भी पीती है आज भी दूध पीती है आ, तो गांव बड़ाली है डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपने बताया डिस्ट्रिक्ट है इसक में ये इसार में, में, जो में ये जो बोधन है ये इसकी माँ ये बहुत बढ़िया उसी की ये बेटी है अभी कितने महीने की आपने बताई इसकी आयु आयु लगभग भाई जी होगी होगी ग्यारह महीने की ये बछिया अच्छा अच्छा अपनी माँ की तरह ही साइज कॉम्पैक्ट है लेकिन नस्ल की शुद्धता है वो इसमें काफी अच्छी आई है ठीक है आप ये देखें ये हरियाणा की प्रोजेनी है और ये थार पार्कर की प्रोजेनी है नाभी और जो ढीलापन इस नस्ल में देखने को मिलता है वो इसमें नहीं देखने को मिलता उसके बाद अगली जो बच्चिया लेके आया था भाई जी जी हजार रूपए की अच्छा ये इसकी स्कीमा है ये चार नंबर पर एक दो तीन चार ठीक है चार नंबर पर ठीक है तेरह चौदह लीटर दूध दिया भाई जी ठीक है और आज ये है कई बार भी मार रही भाई जी कई बार ऐसी होगी आज मरी कल मरी ठीक है लेकिन परमात्मा ने मेरे को साथ दिया ठीक है कितने की लेकर के आए थे आप पचासी हजार रूपए एट्टी फाइव थाउजेंड रुपीज की और उसकी ये जो बछिया है और वो जो नंबर एक पर जो थार पार्कर है वो कितने की लेकर के थे? वो मैं जोड़ा लेके आया था भाई जी। एक लाख पैसठ हजार रूपये का और इक्कीस के, के तौर पर ठीक हाँ। है बहुत बढ़िया तो अगला ये, ये जो बछड़ा है ये देखे ये भाई भाई खोल करके देखे ये जो बछिया है थार पार कर नस्ल की और ये जो गोधन है ये देखे उसी का जो जोड़ा इन्होंने जो जानकारी दी है और इसका जो बेटा है ये देखे आप ये देखें सुंदरता अति अति सराहनीय क्योंकि वहां पर उस समय थार पार कर, कर नस्ल का जो नंदी था वो वहां पर सर्विस दे रहा था जी जो पुष्कर में जाके सोलह लीटर दूध निकाला था उसकी माँ वो है गुराना वाली ये देखें ये जो गोधन है ये यहाँ से लंबा सफर तय करके गई और पुष्कर में और ये देखें बछड़ा जो है अभी भी हस्तुश ठीक है ठीक है ठीक है ये देखें अभी भी अपनी माँ के नीचे दूध पी ठीक है ठीक ये ये डिपेंडेंट छोड़ दे अपने आप ही ये देखें आप तो नस्लें जो हैं वो विकसित करने में काफी लागत का काफी मेहनत आती है और ये देखिए देखो अभी का दूध देखिए मां अभी पास जाकर के जरूर दिखाना चाहूंगा ये देखें आप मैंने फिर कहा उस समय जो ब्रीडिंग बुल जो उनका वहां पर था गुराना गौशाला में वो एक थार पारकर नंदी था तो ये जो बछड़ा है ज्यादातर अपने बाप के जो करैक्टर्स हैं वो लिए हैं और अभी भी देखें आप ये देखें जो थनों की जो बनावट है अंडर की जो बनावट है अभी भी तकरीबन तकरीबन अभी भी साढ़े तीन तीन किलो दूध है भाई जी एक हाँ, एक ताँगा, एक टाइम 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 का का ये देखें अभी जो बच्चा जो झाग बनाएगा जी इस गाय का दूध है ना के पूरी कैल्शियम यही पी गया भाई पीजी तब मार मार के मार मार अच्छा कमजोर कर कमजोर कर दी भी। भी। और भी। ये वादा रहा अंडा भाई भाई का भाई जी अभी एक महीने प्रेगनें है जैसे पुराना सिला ऐसा उससे सवाई करके दिखाऊंगा भाई जी अगली वीडियो के अंदर और इसके बार बीस और इक्कीस किलो दूध भी कटा दूंगा भाई जी तो अक्सर एक जो गैर मान्यता हमारे समाज में है की देसी गाय लंबे समय तक दूध नहीं देती है तो उसका साक्षात जो साढ़े आठ महीना साढ़े आठ महीने का बछड़ा हो चला है और अभी भी देखे अपनी माँ से निरंतर तकरीबन छह सात लीटर दूध प्रतिदिन प्रति प्राप्त, प्राप्त करता है बाकी गाय बीमार बहुत ज्यादा होती है हुँ हुँ हु। क्योंकि

बिल्कुल बैठ सकते हो बिल्कुल ये ये नया हूँ लेकिन फिर भी तो काफी अच्छा जो है दूध वो अभी भी गोधन के है और तकरीबन तकरीबन सात किलो ही दूध है बाकी होगा दस भी क्योंकि नजर की जो मेरे वो लगने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया उसके बाद दो और जो, ये वो है, वैसे। तो जो है बच्चे देखो हाँ एक गैर मान्यता जो है उन सभी को जुठलाते हुए कि गाय लेकर के भाग बढ़ती है लात मारती है ऐसा कतई कतई नहीं है अच्छी नस्लों को एक बार हमें पुनः पहचानने और उनको स्थापित करने की आवश्यकता है तो ये अगला जो बछड़ा है ठीक है ठीक है ठीक है ओके है जी बताएं भाई जी इसकी माँ का नाम है श्वेता ठीक है और आपके पास इसकी पहली बहन है चंद्रिका ठीक है दूसरा बेटा प्रताप आपके पास है सुस्पष्ट है चंद्रिका जो आपके पास है उसकी आइट मिला लो भाई जी आज मेरे कर्ण की मिला लो आज ये पांच एक साल लगभग एक महीना तेरह महीना का भाई जी अभी तेरह महीने इसकी उम्र हो चली है इसकी तो माँ इसकी माँ जो है अभी बच्चे देने के निकट है वो हर साल बच्चे को जन्म दे 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 देती है और तकरीबन तकरीबन अगस्त सितंबर अगस्त सितंबर के हाँ। आसपास ही जन्म देती है तो पहली जो बच्चिया थी वो तो थी चंद्रिका दूसरी जो थी वो प्रताप और तीसरा जोशी का भाई जो है कर्ण उसको यहाँ पर देख सकते रानी शक्ति से प्रेगनेंट हो रही भाई जी ठीक है उसका जो बच्चा आएगा वो भी एक पूरा नंदी आहा। आहा। तो नंदी तैयार बछड़ी आई तो बसड़ी तैयार कर बछड़ी तैयार करके दिखाएंगे तो ये देखे शालीन काफी है बछड़ा बहुत ज्यादा भाई जी ये देखें चेहरे की बनावट और एक बार खोलें खोलें चला करके पूरा दिखाएं व्यक्तित्व ये देखें देखना कभी माँ का दूध पी ले ना भाई जी अब नहीं अब नहीं पिलाती थी। ठीक है अब इसकी खुशबू खत्म हो रही एक डेढ़ महीना हो गया ना छोटे भी अच्छा अच्छा तो इसकी माँ को ये देखें इससे अगली जो गोधन है ये जो है वो इसकी माँ है और ये जो है उसी का बेटा तैयार किया हाइट लंबाई ऊंचाई तेरह महीने के हिसाब से काफी अच्छी और पास से मैं एक बार टेस्टिकल जरूर दिखाना चाहूंगा ये देखे आजे भाई रहे, रहे, आजे। बस भाई जी आज भी है ना मीटिंग देने की कोशिश करता है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ये देखे ले जाए ले जाए आगे ले जाए किसी भी नॉर्मल जो गोधन है उससे अब भी भी आज इसकी हाइट जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिले किसी भी गाय के पास खड़ा करें किसी भी कोई भी एक्स वाई जेड नीतू रानी आपकी काफी ऊंची गाय है उसके पास ले आए ले आए ये देखें ये देखें तो नि... बस 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 ठीक है ठीक है ठीक है ले जाए ठीक है बहुत बढ़िया और एक अंत में वो जो बछड़ा है वो उसकी डिटेल और लेंगे हम

शारीरिक बनावट जो पीने के लिए अच्छा माँ का दूध अब भी पीता तो है ये देखे तो देखे एक दो तीन नहीं लेकिन अनेकों जो बछड़े ये तैयार कर रहे हैं ये अपने आप में अनोखा है तो ये जो गोधन है यही उस बछड़े की माँ है वो जो पीछे जो बछड़ा आपको दिखाई दे रहा है उसकी माँ ये गोधन है और 16 किलो 800 ग्राम कुछ दूध रिकॉर्ड है इसका सरकारी आंकड़ों में एच की किसी मिल्क रिकॉर्डिंग में तो ये देखें चलो भाई चलो शाबाश ये देखें बस 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 ये इसकी माँ है और ये इसी का बेटा है आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध हम्म बहुत बढ़िया कितने दिन की ब्याई हुई हो चुकी है अभी ये आठ नौ महीने के आसपास तकरीबन हाँ। ये भी ब्याई हुई हो चुकी है तो काफी अच्छा गोधन और काफी अच्छा ये जो हाँ। नेक्स्ट प्रोजेनी है उनकी जो परवरिश आपके घर आंगन आपके इस फार्म पर जो देखने को मिली ये अति सराहनीय है तो ये देखें इसको पूरी स्वतंत्रता है कि ये जितना चाहे अपनी माँ से दूध प्राप्त करे तो कुछ एक जो हैं वो उनको पूरी तरह से इन्होंने फ्री छोड़ रखा है जितना दूध पीना चाहे पी नहीं भाई जी जितने आ? भी मेरे काफ है बछड़े है बछड़ी मैंने नीचे बाल्टी रख के दूध नहीं निकाला भाई जी अच्छा किसी के भी नीचे ठीक है जो ये देखो तीन महीने बछड़ी है साढ़े तीन महीने का छार पार कर है।, है और ये उसकी बेटी देख सकते हैं कितने समय दूध पिलाते हैं आप तीन टाइम सुबह दोपहर शाम को अच्छा इसके भाई ज़्यादा हाँ बहुत शांत है भाई और परली हेड में बैठ के दूध मैं निकाल लेते तो भी कुछ नहीं कहती चलो बहुत बढ़िया तो थार पार कर नस्ल की इनकी ये फर्स्ट टाइमर हीफर है क्या कुछ दूध आपके अंदाजे से इसने दिया तेरह साढ़े तेरह लीटर दूध था भाई जी अच्छा और बहुत साली है अभी दो ही दांत है अच्छा। अभी चौथे तोड़ दिए कह नहीं सकता दोबारा मैंने इसका देखा नहीं भाई जी ठीक है हाँ। इन बछड़ो की दोनों ही खुशबू एक हो रही भाई जी अच्छा ये मन में आए ना तब ये बछड़ा उसका चुंग जाए वो इसके चुन जाए ये आपके आगे देख लो बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मन में आया तब कोई गाय दे क्योंकि इनका बाड़ा एक है भाई जी इन बच्चों की और माया की खुशबू सब लगभग एक हो रही है अच्छा अच्छा इनको कोई ये नहीं लगता मेरा बेटा है या नीतू का है या काज का है कुछ कोई भी बच्चा जिस टाइम चुगता है वो साथ है ठीक अंत में आपके संपर्क सूत्र जन्मसी एक सौ अड़तीस चौबन अठासी एक सौ अड़तीस चौवन सात सौ चौवन तो एक जो इनका पूरा जो गोधन जो उपलब्धता के लिए तैयार है उपलब्ध कराने के लिए बायस के लिए तैयार है वो इस तरफ है और जिनको ये नस्लों को विकसित करने में जो ध्यान दे रहे हैं वो सारा जो गोधन है वो इस तरफ है इनकी प्रोजेनी जो है वो मैंने इस तरफ कवर की तो इतना अच्छा जो गोधन का विकास और हरियाणा नस्ल के ऊपर खासतौर पर आप जो ध्यान केंद्रित करके और नस्लों को जी। जी। बच्चों के लिए स्पेशल अच्छा अपनी माँ का दूध पीले ज्यादा तो गोचर भूमि मेरे पास नहीं है भाई जी लेकिन जितनी मेरे से हुई उतनी मैंने देने की कोशिश करी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो युवाओं का और इस तरह का जो अच्छा और प्रयास भाई जी ये है प्राकृतिक गद्दा अगर ये जगह मिल जाए ना गाय को राजस्थान में ना गाय चलती है तब ऐसे पैर चलते, चलते, चलते भाई जी गुँ। गुँ। ऐसे और हमारे पास गद्दे हैं और पक्का है तभी गाय का थोड़ा मन कम लगता है गुँ। गुँ। बाकी ये प्राकृतिक मिल जाए भाई जी तो मेरे पास भी नहीं राजस्थान वाली तो बाकी कोशिश कर रहे भाई कोशिश कर सकते हैं कोशिश कर सकते हैं इतना अच्छा गोदन दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद